को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे गोरखपुर, गुरु गोरखनाथ महाराज की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद, कहा कोशिश होती है कि किसी भी स्थिति में सुचारू रूप से चले संसद का सत्र। एडीजी जोन अखिल कुमार और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश, कहा क्षेत्र में भ्रमणशील रहे जिले के कप्तान। राप्ती तट पर आयोजित लोकार्पण समारोह में मोक्ष वाले बयान पर बोले सांसद रवि किशन, कहा 50 सालों तक नहीं आने वाली है विपक्षियों की सरकार, पगला गए हैं विरोधी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, अधीक्षण अभियंता सिडको का अग्रिम आदेश तक वेतन बाधित करने के दिए निर्देश, कहा समय से पूरा करें निर्माण कार्य। गोरखपुर शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर, जिला अस्पताल में अब बनेगा ट्रॉमा सेंटर, शासन से स्वीकृत हुई 1,20,00,000 रुपए की धनराशि, अस्पताल के बगल में खाली पड़ी 9,000 वर्ग फीट जमीन में ट्रॉमा सेंटर का किया जाएगा निर्माण। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन के अवसर पर सम्मान एवं पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र नगद धनराशि देकर किया गया पुरस्कृत। महोबा में पुलिस की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर दो अधिवक्ताओं के द्वारा आत्महत्या किए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने एडीएम प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित प्रेषित किया ज्ञापन, अधिवक्ताओं के परिजनों को आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग। गोरखपुर में शनिवार को मिला मात्र एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,455, अब तक 363 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 40 रह गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने संगोष्ठी आयोजित कर शिक्षकों की समस्याओं को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ने की बनाई रणनीति, गोरखपुर जनपद की इकाई के नए कार्यकारिणी की गई घोषणा। और लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी प्राइज मनी क्रिकेट प्रतियोगिता में वाराणसी की टीम ने इलाहाबाद को 4 विकेट से हराकर किया फाइनल में प्रवेश, रविवार को वाराणसी और लखनऊ के बीच खेला जाएगा फाइनल मैच।